ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुठेड़ पंचायत में अज्वाली के विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह ने 3,75,000 की लागत से नवनिर्मित पंचायत मीटिंग हॉल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने कुठेड़ पंचायत को देश व प्रदेश में मॉडल पंचायत बनाने के लिए बधाई दी तथा इलाके के अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि वे कुठेड़ पंचायत से प्रेरणा लेकर अपनी पंचायत का मॉडल बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास मिशन पर कार्य कर रही है, इसलिए विधायक के नाते मेरा संकल्प है कि ज्वाली विधानसभा के हर पंचायत में सभी को पीने का पानी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर चिकित्सा सुविधा हो और हर गांव को सड़क सुविधा को इस लक्ष्य को अगले 5 साल तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार योजना बना रही है कि हर पंचायत में पानी की स्कीम बनाई जाएगी जिससे हर व्यक्ति को पर्याप्त पीने का पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने जनमानस के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, अतः पंचायत प्रतिनिधि ने जन जन तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू करने जा रही है जिसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दवाइयों के लिए हर महीने 2,000 सरकार देगी। इस अवसर पर उन्होंने कोटला बेल्ट की 13 पंचायतों की समस्याओं को जल्द हल करने का भी आश्वासन दिया तथा महिला मंडल को सामान खरीदने के लिए 25,000 की राशि देने की घोषणा की। हमारी कुठेड़ पंचायत शहर ज्वाली ब्लॉक में तो सबसे प्रथम नंबर पर है, पूरे प्रदेश में भी ये प्रथम नंबर पर है और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इन्होंने एक भवन बनाया है, इसका मैंने शुभारंभ किया जिसकी लागत लगभग 3,00,000 से ज़्यादा है, उसका मैंने शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं प्रधान जी को भी नहीं, पूरे जो भी प्रधान है उनको सब पूरी पंचायत को बधाई देता हूँ और अन्य लोगों से भी आग्रह करूँगा जो पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस तरह के अच्छे अच्छे अपने पंचायत घर बनाए। और हमारी सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र सरकार है, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि गांव तक विकास जाना चाहिए और लोगों में ये अनुभव हो कि सरकार कोई दिल्ली से लेकर प्रदेश स्तर पर और प्रदेश से लेकर विधानसभा स्तर पर बदली है। ये हमारा बहुत अच्छा क्षेत्र है हमारी पार्टी के लिए और हमारी पार्टी का तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। सबको पानी मिलना चाहिए, सबको बिजली मिलनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बड़ा दुख लगता है जब कोई बहन पानी के लिए तरसती है, जब कोई भाई सड़क के लिए तरसता है। मैं अपनी तरफ से भी अपनी सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी को विश्वास देना चाहता हूँ कि ये जो आपकी 13 पंचायतें पिछड़ी हैं पानी की दृष्टि से, अन्य कार्य की दृष्टि से, इसके लिए हम 5 साल में बृहत्तर प्रयास करेंगे कि सबको पानी मिले, सबको बिजली मिले। जय हमारा।